जो ताल्लुका है, एमएनए रह चुकी है, सीनियर रहनुमा आए और डॉक्टर फौजिया हमीद साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सबका एमपी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका ताल्लुक है सैयदा मारवी राशिदी साहब, अभी आपको सलाम कर रही। हाँ, तहा से मारवी राशिदी साहब सरप्राइज पीपल्स पार्टी दी। हाँ, अदा सरप्राइज इम्तियाज सरप्राइज की डेफिनेशन वरी अलग थी थी वे जी पे जिक्र कम तो सरप्राइज त गुजरल इलेक्शन में 2018 वाली इलेक्शन में उन पार्टी दिनों जी अचानक अचानक सुबह जो रिजल्ट मटाए छद असा त पुरुमीद आयो असा त यकीन है अस खटे सरप्राइज की गाल तो उते थी वे जिथे तक बीयू के कुतू तक खटराइन थी में पान में हाल को में सियासी में सियासी जज्बो को सियासी विल को जो मंशूर अजा ती न ठही सको है अचानक तक खटो उन्हें के सरप्राइज चब अस तो पूरे तैयारी से पूरे होमवर्क से अस त मैदान में लथा आयो अस तो पूरा उम्मीद आयो अस खटे सरप्राइज इनके न चबो छो जो असा समझूं था त अवाम हियर समझे थी बाशौर अवाम है पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी त फेडरेशन की अलामत है चारे सूबन में हमेशा पांजा नुमाइंदा भी आ रहा है असा भरपूर असा के वोट मिली है हमेशा असो वजीर आजम ब दफा प्राइम मिनिस्टर असो पीपल्स पार्टी जो पर इन सब शेन के बावजूद भी उ पार्टियों के सरप्राइज थी दन उन्होंने अचानक एकड़ी हेल्प थी मिले उन्होंने सपोर्ट थी मिले रातों रात कुछ कुतुन की सरप्राइज उन जुमरे में तुम सरप्राइज चई सो अस पूरा उम्मीद आयो अस ही खटे इंशाला छो जो असि नौजवान क्यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सूरत में जै आवाम से वायदन का अलावा जो नो नारो दिनो है अचो त नफरत की सियासत के खत्म क्यों इंतकाम की सियासत के खत्म क्यों ए बिलावल साहब यो भी अहद किया है त इलेक्शन खटण का मां कंखा भी इंतकाम न वठंदस सियासी इंतकाम की सूरत में अस हमेशा इन शे के चाहे आ शे न होजन घुर्जे तिठो हों जेका भी पार्टी आई है इक्तदार में उन पार्टी हमेशा बियन सियासी कारकुनन की लीडरशिप्स के अची तंग किया वापस इक्तदार में अची इंतकामी कार्रवाइयों क्यों इं सजी हुनन जी गेम अवाम जया मसला हल कराण में हमेशा रुकावट बनी है तेंजे करे असां पांजो फोकस अवाम सां कयल वायदा जेके असांजे मंशूर के मुताबिक जेके असांजे विजन के मुताबिक उनन ते अची फोकस कंदासीं इंतकामी कार्रवाइयों असां न कंदासीं। ठीक है डॉक्टर फौजिया हमीद साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह सब सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपने सिंध के अंदर नून लीग के साथ हो, जीडीए हो और जेयूआईएफ हो, ये सारी मिलके कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आप क्या लग रहा है आपको, जितना पीपल्स पार्टी का होमवर्क है, जितना पीपल्स पार्टी एक्टिव है, दूसरी सियासी जमातें इतना एक्टिव पूरे मुल्क के अंदर नहीं है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरी सब आपका शुक्रिया